हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकिता सिंह, ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, हम लोग सी टेट के लिए साइंस की क्लास को देख रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 4 से 5 क्लास को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमारा जो पॉइंट है वो तो वही है, बस उसी में एक पार्ट हमें आगे चलना है, जीवों का वर्गीकरण, जो कि 5 भाग में किया गया था, जिसमें हमने मोनेरा प्रोटिस्टा कवक को डिस्कस कर लिया है। फोर्थ पार्ट हम लोग पादप पेड़ पौधों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधों को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेड़ पौधों के भी जो लक्षण हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड करके 5 वर्ग बनाया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपका है थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसमें से हमने अपनी पिछली क्लास में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म इतने को कवर किया है। हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो है एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवृत बीजी। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आवृत बीजी के लक्षण, आवृत बीजी पौधों के लक्षण, ठीक है, जिसमें आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये साक झाड़ी तथा वृक्ष, साक झाड़ी तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, ये साग झाड़ी तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इनमें जो बीज होता है, इनमें जो बीज होता है, बीज फलों के अंदर होता है, बीज फलों के अंदर होता है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि अब तक जो बीज था उस पर कोई कवरिंग नहीं थी, न तो वो फलों के अंदर ही था, तो अब एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होंगे उसमें जो बीज होगा वो फलों के अंदर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि बीजावरण पाया जाता है, बीजावरण जिसको आप सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इससे रिलेटेड लिखेगा, पुष्पी होते हैं, मीन इनमें पुष्प भी पाया जाता है, इस अब तक पुष्प किसी भी ग्रुप में नहीं पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इनके बीजों का जो विकास है, ठीक है, इनमें बीजों का विकास, बीजों का जो विकास है वो अंडाशय से होता है, बीजों का विकास अंडाशय से, बीजों का विकास जो है वो अंडाशय से होता है, ठीक है, इनमें बीजों का जो विकास है वो अंडाशय से होता है। पॉइंट 6 आप लिखेंगे, बाद में यही अंडाशय, अंडाशय बाद में यही अंडाशय किस में बदलते हैं, फल में बदल जाते हैं, ठीक है, बाद में लिखिएगा, बाद में ये फल में बदल जाते हैं, ठीक है, उसी में जोड़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इनका जो प्रजनन अंग होता है, जिससे कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो इनका जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि पुष्प, इनका प्रजनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। इनका जो पोषण होता है वो कैसा होता है, इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि ये मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है, परजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, तथा जो मैक्सिमम अधिकतम जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, ठीक है, अधिकतम जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 लिखिएगा, स्थली व स्थली व जली दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, वहाँ नहीं आ रहा है, चलिए इतना पहले देखिए,
आवृत बीजी की जो लक्षण है, साग झाड़ी तथा वृक्ष, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। बीज फलों के अंदर होता है, बीजावरण पाया जाता है, पुष्पीय होते हैं, बीजों का जो विकास है वो अंडाशय से होता है और बाद में यही अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। प्रजनन पुष्पों द्वारा होता है, मीन्स इनमें जो प्रजनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं और स्वपोषी भी हो सकते हैं, स्थली व जली होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर नाइन, संवहन तंत्र विकसित होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी पाइपलाइन पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम की, जो कि आसानी से जल, खनिज व खाद्य पदार्थों का संवहन करती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। अब इनका एग्जांपल देखने से पहले हम ये लिखते हैं कि बीज पत्रों के आधार पर, ठीक है, बीज पत्रों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे कि बीज पत्रों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आप लिखेंगे एक बीज पत्री। ठीक है, दूसरा लिखेंगे द्विबीजपत्री, मोनोकॉटलीडान एंड डाइकॉटलीडान। ठीक है, मोनोकॉटलीडान एंड डाइकॉटलीडान। एक बीज पत्री जो होते हैं, इनके बीज में एक पत्र होता है, इनके बीज में एक कॉटलीडान होता है। ठीक है, एक पत्र होता है, लिख लीजिएगा कि इनके बीज में एक पत्र होता है और इनके बीज में दो पत्र होता है। ठीक है, दो पत्र होता है। जो कॉटलीडान होते हैं वो इनमें एक होते हैं और इनमें दो होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, जो एक बीज पत्री होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इनकी जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो विकसित होती हैं। ठीक है, वो विकसित होती हैं। ठीक है, क्लियर है। इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्लांट में जो जिम्मेदार होता है वो कैम्बियम ही होता है। तो जो एक बीजपत्री होते हैं, जो मोनोकॉटलीडान होते हैं, उनमें कैम्बियम जो है वो अब्सेंट होता है और इनमें कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका एग्जाम्पल। तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री को अलग अलग देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप एक बीज पत्री का एग्जाम्पल लिखेंगे। जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं, ठीक है, पहले उनका एग्जाम्पल आप लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे आप लहसुन, प्याज, केला, नारियल, सुपारी, गेहूं मक्का, चावल, उसके बाद बाजरा, जौ। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं? मकई, बास। ये एक बीज पत्री एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन? लहसुन, प्याज, केला, नारियल, सुपारी, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, मकई और बास।
ठीक है। उसके बाद दी बीच पत्री का एग्जाम्पल लिखिएगा, दी बीच पत्री के एग्जाम्पल, डाइकॉटिलेडन्स के एग्जाम्पल लिखिएगा, तो इसमें आ जाएगा सरसों, सरसों, कपास, मूली, सरसों, कपास, मूली, भिंडी, गुड़हल, भिंडी, गुड़हल, कत्था, गुलमोहर, छुई मुई, छुई मुई, सूरजमुखी, सूरजमुखी, बेल, ठीक है, जितने भी डेवलप होंगे, तरबूज, लौकी, ककड़ी, तरबूज, लौकी, ककड़ी, जीरा, परवल, करेला, जीरा, परवल, करेला, सेब इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? दी बीज पत्री एनजीओ स्पर्म के एग्जाम्पल हैं। सरसों, कपास, मूली, भिंडी, गुड़हल, कत्ता, गुलमोहर, छुई मुई, सूरजमुखी, बेल, तरबूज, लौकी, ककड़ी, जीरा, परवल, करेला, सेब इत्यादि। इसके अलावा अमरूद, जामुन, धनिया, सौंफ, गाजर, आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, ये सभी किस में आएंगे? डाइकॉटिलेडन्स एंजियोस्पर्म में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ पार्ट है जीवों के वर्गीकरण, पेड़ पौधा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमको देखना है एनिमालिया, जीव जंतु, जीव जंतु। तो आप हेडिंग डालेंगे जीव जंतुओं के लक्षण, जीव जंतुओं के लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मालिया, जीव जंतुओं के लक्षण, ठीक है। पहला आप लिखेंगे यूकैरियोटिक, पहला आप क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक। जितने भी जीव जंतु हैं वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। सर्वव्यापी, सभी जगहों पे पाए जाते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी इनका मीन्स इनका जो शारीरिक निर्माण है, इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो ढेर सारी सेल से मिलके बनी हुई है, कोई सिंगल सेल से बना हुआ नहीं है। विषम पोषी होते हैं, कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, मतलब ये अपना पोषण जो है वो अलग अलग तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, मीन्स ये अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं कर पाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं। कुछ पूरी तरह से मांस पे निर्भर होते हैं, जिनको मांसाहारी बोलते हैं। कुछ पेड़ पौधों और मांस दोनों पे निर्भर होते हैं, जिनको कि सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ और मेन पॉइंट कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। सेल वॉल जो है वो इनमें नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शारीरिक संरचना विकसित होती है, शारीरिक संरचना विकसित होती है। अब शारीरिक संरचना से विकसित होने का मतलब क्या है? शारीरिक संरचना के विकसित होने का मतलब क्या है? तो बता दें कि शारीरिक संरचना के विकसित होने का मतलब है कि इनमें सभी तंत्र पाए जाते हैं, सभी तंत्र पाए जाते हैं। अब सभी तंत्र पाए जाते हैं का मतलब क्या? जैसे इनमें पाचन तंत्र होता है, ठीक है,
पाचन तंत्र का मतलब है कि वेल डेवलप्ड क्या होंगे, डाइजेस्टिव पार्ट होंगे, ठीक है, कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का जो डाइजेशन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में होगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो ये सभी इनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो विकसित होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जीवों का वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी एनिमालिया के ढेर सारे पार्ट हैं, इनमें ढेर सारे फाइलम हैं जिनको कि हम किसी दूसरे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही। तो इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मीन्स इससे जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे वो तो आप पहले खुद ही डिस्कस करिएगा, उसके बाद हम बारी बारी से किसी न किसी क्लास में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष, ठीक है, लिखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, तो आप लिखेंगे सिकोया। सिकोया, सिकोया को आप जानते होंगे, तो ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। इसका पूरा नाम है सिकोया सेम्परविरेन्स, ठीक है, सिकोया सेम्परविरेन्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष, तो आप क्या बताएंगे, सिकोया। सिकोया को कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक है, आप लिखेंगे कि इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक है, इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक, क्लियर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया सेम्परविरेन्स और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी इसको जाना जाता है। 120 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है, 120 मीटर ऊंचा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई की तीलियां बनाने में, दिया सलाई की तीलियां किससे बनाई जाती हैं, किससे बनाई जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आप लिखेंगे, पाइनस, चीड़ की लकड़ी से, ठीक है, चीड़ की लकड़ी से दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसी पाइनस से ही तारपीन का तेल भी आपको किससे मिलता है, तो आप बताएंगे कि पाइनस से ही तारपीन का तेल भी मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, क्रिसमस वृक्ष होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्रिसमस वृक्ष होता है, तो क्रिसमस वृक्ष जो है वो जिम्नोस्पर्मी होता है, ठीक हो, जिम्नोस्पर्म। क्रिसमस वृक्ष कैसा होता है, तो वो जिम्नोस्पर्मी होता है, ठीक है। ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, सॉरी सॉरी
जीवों का नामकरण, वर्गीकरण तो अभी हम लोग पढ़े हैं, जीवों का नामकरण। तो जीवों का जो नामकरण है वो किस बेस पे किया जाता है, ठीक है, जीवों का जो नामकरण है, जो नॉमिनेशन है वो किस बेस पे किया जाता है, तो 1753 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, ठीक है, इनका नाम अभी पीछे भी आप लोग सुने थे, कैरोलस लीनियस। इन्होंने जीवों के नामकरण की डी नाम पद्धति, किसको, डी नाम पद्धति को प्रचलित किया। इन्होंने जीवों के नामकरण के डी नाम पद्धति को प्रचलित किया, मतलब डी नाम पद्धति का मतलब बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि डी नाम पद्धति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कि डी नाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस है। और इन्होंने इसको कब प्रचलित किया था, तो 1753 में। इस पद्धति के अनुसार क्या था कि जीवों के जो नाम हैं वो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलके बने हैं, ठीक है, जीवों के नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, जिसमें से पहले शब्द को, जो पहला शब्द होगा वो वंश को दर्शाता है, मीन्स उस जीव के जीनस को बताता है, ठीक है। और जो दूसरा शब्द होगा वो स्पीसीज, ठीक है, मतलब जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो जीवों के जो नाम हैं वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनमें से जो पहला शब्द होता है वो जीनस को, वंश को दर्शाता है, और दूसरा शब्द जो है वो उस जीव के स्पीसीज को, जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति से ये पता चलता है कि जो जीव है वो किस वंश का है और किस जाति का है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ जीव और उनके वैज्ञानिक नाम। सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जीव हैं जिनका कि नामकरण हमें पढ़ना है, ठीक है। तो दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा जीव और दूसरे तरफ लिखिएगा वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, ठीक। इस तरह से दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ जीव दूसरे तरफ वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले हम मनुष्य से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मनुष्य। तो इसका नाम सबको पता होगा, होमो सेपियंस, जिसमें अब होमो क्या हो जाएगा तो ये जीनस हो जाएगा, और सेपियंस क्या हो जाएगा तो स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जाता है कमल, ना, क्योंकि ये राष्ट्रीय पुष्प है तो पूछा जा सकता है नेलेम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, कमल नेलेम्बो न्यूसीफेरा। उसके बाद मोर, राष्ट्रीय पक्षी है, पूछा जा सकता है पाओ क्रिस्टेसस, ठीक है, ये किसका नाम है, मोर का नाम है, ठीक। उसके बाद फोर है बाघ, राष्ट्रीय पशु है, पूछा जा सकता है पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है, बाघ का क्या नाम है, पेंथेरा टिग्रिस, जिसमें इसका वंश क्या है, पेंथेरा, और जाति क्या है, टिग्रिस, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा मेंढक को, तो मेंढक का राना टिग्रीना, क्या नाम होगा, राना टिग्रीना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा गाय,
गाय को बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। तो जो इंडिया वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं ना, एक तरह से गाय को अपना बॉस समझते हैं। तो गाय का रासायनिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। ठीक है, इस तरह से आप उसको याद रखिएगा। एक कड़ी जोड़ के हम किसी चीज को याद करते हैं तो जल्दी भूलता नहीं है। फिर लिखिएगा आम, ठीक है, आम का लिखिएगा मैंगीफेरा, आम का नाम लिखिएगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, आम, अब देखिए इंडिया वालों को क्या है, आम भी बहुत पसंद है, और इंग्लिश में आम को क्या बोलते हैं, मैंगो। तो इसका नाम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये किस जीनस का है, मैंगीफेरा, किस जाति का है, तो इंडिका। ठीक है, उसके आगे चलिए, इतना नोट कर लीजिए या इसकी शॉर्ट स्क्रीन ही ले लीजिए। ठीक है, फिर लिखिएगा धान, धान, धान को क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा ना, धान को क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा। धान से क्या मिलता है आपको, चावल मिलता है ना, अगर चावल को ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सटाइवा उसको ज्यादा पसंद करेंगे तो क्या होगा, ओराइजा खत्म हो जाएगा ना। तो चावल का, धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओ शिट, ठीक है, आगे चलते हैं, जी विरेज हो गया। आगे लिखिएगा मटर, मटर, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। फिर लिखिएगा ऊंट, ऊंट, ऊंट का कैमेलस डोमिडेरियम, कैमेलस डोमे डेरियम। ठीक है, ऊंट को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, कैमल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कैमेलस डोमे डेरियम, मतलब ऊंट से, कैमल से दूर दूर तक जाना। ठीक है, उसके बाद लिखिए बिल्ली, बिल्ली, कैट को जानते होंगे, इसका नाम लिखिएगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, देखिए घरेलू बिल्ली कहाँ पे देखी जाती है, घर में। ठीक है, डोमेस्टिकल एरिया में देखी जाती है, तो इसका नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका, किसका नाम है, बिल्ली का। ठीक है, फिर कुत्ता, कुत्ता, कैनिस फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियर्स। देखिए कोई कुत्ते को पालता है, डॉगी को पालता है, तो वो बिल्कुल उसके फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाता है ना। तो कुत्ते का बॉटनिकल नेम क्या है, कैलिस फैमिलियर्स। ठीक है, कैलिस फैमिलियर्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बरगद, बरगद, बरगद का क्या हो जाएगा, फाइकस, फाइकस बेंधा, फाइकस बेंधा लेसिस, फाइकस बेंधा लेसिस। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्याज का, किसका लिखेंगे, प्याज का, ओलियम सीपिया, ओलियम सीपिया। ठीक है, ओलियम सीपिया। उसके बाद नारियल, नारियल, नारियल का लिखिएगा कोको न्यूसीफेरा, कोको न्यूसीफेरा। ठीक है, नारियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोकोनट बोलते हैं, और खाने के लिए उसको फोड़ना ही पड़ता है ना, तो न्यूसीफेरा। ठीक है, नारियल को कोको न्यूसीफेरा। ठीक है,
उसके बाद हल्दी, हल्दी का लिखिएगा करकम, करकम लोंगा, करकम लोंगा, ठीक है। ये किसका है? हल्दी का, करकम लोंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, करकस लोंगा के बाद आगे चलेंगे लहसुन, ठीक है। किसका लिखेंगे? लहसुन का लिखेंगे, एलम सलाइवम, ठीक है। लिखेंगे आप एलम सलाइवम, किसका नाम है ये? लहसुन का। उसके बाद लिखेंगे तुलसी का, ठीक है। किसका लिखेंगे? तुलसी का लिखेंगे, तुलसी की पूजा की जाती है इसलिए ये पूछा जाता है, तो तुलसी का क्या लिखेंगे? ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। देखिए अब ढेर सारे जीव हैं, ठीक है, तो सभी का जो बॉटनिकल नेम है वो इस तरह से उसको आपको लिखाया नहीं जाता, ठीक है, लेकिन पीडीएफ के जरिए आपको सभी एनिमल्स के, सभी जीवों के, सभी पुष्पों के, सभी फलों के जो बॉटनिकल नेम है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप सिर्फ उनको एक बार किसी भी चीज़ से रिलेट करके पढ़िएगा, तो फिर जो भी आप एग्ज़ाम में एक बार देखेंगे तो आपको नाम वो ज़रूर याद आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों को हम याद नहीं रख सकते ना। तो अगर हम किसी भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं तो जब भी वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, तो तुरंत आंसर पे आंसर हमें याद आता है ना, उस क्वेश्चन पे हमारी कमांड होती है तो वो आंसर हमें क्या होता है? आसानी से याद आता है, अगर हम कभी भी उसको पढ़े रहते हैं तो, ठीक है। इसलिए पूरा जितना भी, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और जो भी उससे ज़्यादा रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन।